सह वरेण्यो। अगर इस्लामियत पढ़ेंगे तो अपने मज़हब की कोई खबर नहीं होगी उनको। जब वो बड़े होते हैं तो उनको मौलवी से अगर उनको तबलीग करते हैं तो वो ज़ाहरी बात है उनके ज़ाहिर में तो फिट होती है, तो वो ऑटोमेटिकली वो मुसलमान हो जाते हैं। मेरा नाम दयालू राम है, मैं चक नंबर 187 से ताल्लुक़ है, फ़कीर भगत फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो सेवा स्कूल में एक टीचर हूँ। अक्सर जो है ना इधर मुसलमान होते हैं लालच पे, बरादरी से कुछ झाड़ पटाड़ हुई है तो वो मुसलमान हो जाते, चंद दिनों के लिए रहते हैं उधर, अगर अच्छी खासी मिल गए पैसे उधर रह जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। रमेश जयपाल या समाज सेवकांच्या मदतीने दयालू राम हिंदू मुलांसाठी स्वतंत्र शिकवणी घेतात। सरकारी शाळांमध्ये हिंदू मुलांना इस्लाम धर्माचं शिक्षण घ्यायला भाग पाडलं जातं असं ते सांगतात। उधर इस्लामियत पढ़ाई जाती है, हमारे मजहब की जो ना उधर कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि ना तो वो टीचर होता है ना कोई गवर्नमेंट का कोई इस तरह का है कोई शेड्यूल। पंजाब सरकारकडे अशी एक तक्रार आली आहे, पण सरकारचं म्हणणं आहे की बिगर मुस्लिम मुलांसाठी इस्लाम धर्माच्या शिक्षणाच्या तासाला पर्याय दिलाय। मेरे पास एक केस आया था, वो नॉन फॉर्मल स्कूल का था, लियाकतपुर है मेरे ख्याल से जगह, रहीम यार खान के अंदर, और उसके ऊपर बात अभी हो रही है, आई मीन केस वो चल रही, इंक्वायरी चल रही है, एंड दैट्स द रीज़न आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि इंक्वायरी उस पर चल रही है और आप देखना कि विद इन डेज इट विल बी सेटल्ड। जो सिस्टम बनाया हुआ है मैं आपको ज़रा बता दूँ कि जहाँ पे इस्लामियात पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे बच्चा किसी और रिलीजन का है तो उसको एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ पे उसके लिए नॉन मुस्लिम टीचर भी रखा हुआ है फॉर दोज चिल्ड्रन। एवरीवेयर दैट आई नो अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, मगर मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर कहीं पर यह हो रहा है प्लीज़ मेरे पास आएँ, मुझे बताएँ, वहाँ के जो सीईओ हैं डिस्ट्रिक्ट के उनको बताएं और मेरे पास ये कंप्लेंट लेकर आए, इट विल बी रेप्रिमेंडेड राइट अवे। बी डबल ओके बुक, बुक मैंने किताब।